तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे हाथ में एक चाइनीज कंपनी का मोबाइल है, और इस मोबाइल के अंदर में मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर में सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ है। दोस्तों मैं बता दूँ, इस मोबाइल का जो आईसी है, जो सीपीयू है, वो है आपका कूलसेन आरडीएस सीपीयू, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कूलसेन आरडीएस सीपीयू कैसे आपको यूएसबी डाटा केबल से बूट कराना है अपने कंप्यूटर से, और कैसे इस मोबाइल का जो है आपको सिक्योरिटी कोड अनलॉक करना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ई एक्सपन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको कूलसेन आरडीएस सीपीयू को बूट कराने के लिए पहले आपको अपने कंप्यूटर के डिवाइस मेजर में उसका जो आप पहली बार आप अगर बूट करा रहे हैं तो आपको ड्राइवर मांगा जाएगा, और आपके कंप्यूटर पहले से ड्राइवर इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो अभी लेटेस्ट जो न्यू ड्राइवर हमने आपको वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने दिखाया लेटेस्ट न्यू ड्राइवर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो वो आपको उसमें से आपका जो सारा ड्राइवर आपको डाउनलोड करना है और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, ठीक है, तभी ये मोबाइल आपका बूट करेगा। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हमने मोबाइल को यहाँ पे बूट कराया तो यहाँ पे ड्राइवर मांगा जा रहा है और हम ड्राइवर को यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे जो जरूरी बात होती है वो हम होता है मोबाइल को बूट कराना, कि मोबाइल को बूट कैसे कराना है। तो मोबाइल को जैसे आप बूट कराते हैं कंप्यूटर में, तभी आपका जो मोबाइल जो मेडिकल टूल से बूट करता है। तो आपको पहले पता होनी चाहिए कि मोबाइल किस तरह से बूट करेगा, क्योंकि हर सीपीयू का जो तरीका अलग अलग होता है, जैसे एसपीडी का तरीका अलग है, एमटीके का तरीका अलग है, उसी तरह जो है मान के चलिए क्वालकॉम का तरीका अलग है, तो ये आरडीए का भी तरीका अलग है कि आपको अलग तरीके से बूट कराना है। कैसे बूट कराना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक जरूरी बात बता दूं कि जब आप किसी भी मोबाइल को जब आप बूट कराते हैं अपने डिवाइस मैनेजर से, तो मान के चलिए कि एसपीडी सीपीयू या क्वालकॉम सीपीयू या फिर मीडियाटेक, ठीक है, इन तीनों में से किसी को अगर आप बूट कराते हैं तो आपको यहाँ पे पोर्ट पे क्लिक करके आपको देखना होता है कि आपका मोबाइल बूट है कि नहीं। लेकिन अगर आप आरडीए कूलसेंट सीपीयू को अगर बूट कराएंगे अपने डिवाइस मैनेजर से, तो आपको यहाँ पे 32 डिवाइस पे आपको क्लिक करके आपको देखना है कि आपका मोबाइल जो आरडीए सीपीयू का बूट है या नहीं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने मेडिकल टूल को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन करके और साथ ही साथ इस मोबाइल को जो हम बूट कराएंगे तो उस मोबाइल का भी वीडियो आपको एक साथ हम दिखाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे मोबाइल को हमें बूट कराना है और उसका कौन सा जो बूट की है उस बूट की के बारे में आपको बताएंगे और कैसे आपको बूट कराना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा मेडिकल टूल ओपन हो गया है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अगर कूलसेन सीपीयू को अनलॉक करने के लिए आपको कूलसेन टूल यहाँ पर को सिलेक्ट करना होगा, कूलसेन आरडी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, और जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जब आपका मोबाइल बूट करेगा तो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बूट में आप देख लें कि बूट आपको ऑटो रखना है, ठीक है, तो बूट आप ऑटो रखेंगे, उसके बाद आपको रीड करना हो या चाहे राइट करना हो, जो भी करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बूट को ऑटो रखना है। उसके बाद फिलहाल इस मोबाइल को तो हमें अनलॉक करना है, तो चलिए हम यहाँ पे रीड अनलॉक पे चेक लगा देते हैं। तो हमने रीड अनलॉक पर चेक लगा दिया, उसके बाद यूएसबी यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, और उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मोबाइल को कैसे बूट कराना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरफ मैं आपको मोबाइल दिखा रहा हूँ, एक तरफ आपको मेडिकल टूल दिखा रहा हूँ, और एक तरफ आपको डिवाइस मैनेजर दिखा रहा हूँ। और मोबाइल को कैसे बूट कराना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल का बैटरी हमने निकाल दिया है, ठीक है। बैटरी निकालने के बाद वापस इसमें बैटरी हम लगा देंगे और मोबाइल को हम ऑन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, और सबसे पहले हम डाटा केबल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जीरो बटन को दबाएंगे, उसके बाद बड़ा वाला जो बटन है यहाँ ऊपर में आप देख रहे हैं, उस बटन को हमें, इन दोनों बटन को हमें एक साथ दबाना है, जीरो और बड़े वाले बटन को एक साथ दबाना है। वैसे तो जीरो बटन दबाने से भी बूट करनी चाहिए, लेकिन अगर कभी बूट ना करें तो इन दोनों को आप एक साथ दबा के रखें और कुछ देर दबा के रखें, और मोबाइल में डाउनलोडिंग मोड जैसे लिखेगा आपको दोनों बटन को छोड़ देना है, और जैसे दोनों बटन को आप छोड़ देंगे उसके बाद आपको दोबारा जो है केबल को निकालना नहीं है और लगाना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स रखना है इसको, निकालना नहीं है और दोबारा केबल को, और आपका जो यहाँ पे जो लोडर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में शो करेगा, ठीक है, आरडीए लोडर, ठीक है। जब आरडीए लोडर आपका शो कर जाएगा उसके बाद आप अपने मोबाइल को यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे रिटर्न लॉक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो हमारा जो यहाँ पे रीड अनलॉक नहीं हुआ और यहाँ फिर से ड्राइवर जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो चलिए इस ड्राइवर को भी हमने अपडेट कर दिया ऑटोमेटिकली और ये अपडेट हो चुका है, ये नहीं जिसको जो ड्राइवर लेना होगा वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक है। तो ये ड्राइवर भी हमारा ले चुका है ऑटोमेटिकली, जो इसको लेना था वो ले चुका है। उसके बाद चलिए फिर से दोबारा हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और रीड अनलॉक करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल बूट कर चुका है हमारे मेडिकल टूल से, और उसके बाद हमारा यहाँ पासवर्ड नीचे में शो कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फोन लॉक को जो हमने रीड किया तो यहाँ पे दिखा रहा है इसका पासवर्ड, और ठीक है, तो इस पासवर्ड को हम फोन में डालेंगे और फोन में डाल करके उस फोन लॉक को हम ऑफ कर देंगे तो हमारा फोन जो है अनलॉक हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप प्लीज लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।